केरला स्ट्राइकर्स। सूरत हाल इस समय 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर, दो ओवर की गेंदबाजी हो चली है, यानी 8 ओवर का खेल यहां से बचता है। और बहुत दुरुस्त फरमाया था आपने मनोज दा कि ये लगते नहीं है कि फिल्म स्टार्स हैं या क्रिकेट से इनका कोई नाता नहीं है। 15 दिन या 10 दिन से प्रैक्टिस में आए हैं, लेकिन क्या बखूबी जानकारी है और बिल्कुल उसी के हिसाब से अपने प्रदर्शन को भी उन्होंने बोल्ड किया। अक्रॉस द लाइन रन्स मिल जाएंगे, आसानी से भागने का जरूरत नहीं है। वाइड एज मिड ऑन की तरफ कपल ऑफ बाउंसर्स ओवर द फेंस और ये मार्ली हैप्पी हैप्पी बाउंड्री आती है। और ये दूसरा दिन है 70वां चौका, आप देख रहे हो, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छा प्रेपरेशन करके आए। आगे की तरफ बॉल था एंड दैट इज व्हाट हैपेंड व्हेन यू पिच द बॉल अप, बल्लेबाज की आंखों में चमक आ जाती है और ये डगआउट देख लीजिए, थोड़ा सा प्रसन्नचित होने का मौका उनको मिला है, लेकिन ये लगातार करना पड़ेगा। और कल चेन्नई के आपने प्लेयर्स को देखा, वो ग्राउंड में जिस तरीके से स्लाइड कर रहे थे, 25-30 रन ग्राउंड में सेव करना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा आदर्श और एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि उनका सोच उनकी किस तरीके की आई है इस मैदान में, क्योंकि वो बतौर क्रिकेटर आए हैं, नॉट बतौर अदाकार। अच्छा रन यहाँ पर थ्रो किया, लेकिन रन मिल सकते हैं यहाँ पर, ओवर थ्रो 4 रन। भले ही आपके पास 154 रन है, लेकिन आपको एक एक सिंगल यहाँ पे बचाना है दबाव डालने के लिए। लेकिन चलिए कर्नाटका के लिए, सॉरी केरला स्ट्राइकर्स मान लीजिए, उनके लिए कहीं ना कहीं लक भी फेवर्स करता हुआ, इसकी ज़रूरत है। जैसे मर्जी आए पाँच रन मिल गए इनको, पीछे बैकअप था ज़रूर, लेकिन पूरी तरीके से वो झुक नहीं पाए थे, हाथ नहीं डाल पाए थे, थोड़ा कैजुअल अप्रोच दिखा। लेकिन यस अब ये डगआउट थोड़ा सा मुटमाइन, थोड़ा सा प्रसन्नचित दिखाई देता हुआ। जब बड़ा लंबा सफर तय कर रहा है, 46 गेंदों में 135 रन बनाने हैं, जो काम मुश्किल है, असंभव क्रिकेट में है नहीं, असंभव वर्ड क्रिकेट में नहीं है, लेकिन मुश्किल वर्ड जरूर है। इस बार मिड ऑन लॉग ऑन पे फिल्टर है, बैकअप के लिए फिल्टर, ये देखिए, ये भी क्रिकेटिंग सेंस है जिस बात की अभी चर्चा कर रहा था। मिड ऑन का फिल्टर गेंद को उठा रहा था तो दूसरा जो फिल्टर दौड़ कर रहा है उनके पीछे जा रहा था, यदि मिसफील्ड हुआ तो उसको कवर करेगा। ये सब क्रिकेट के बेसिक्स हैं जिसकी जानकारी यहाँ पर तेलुगु वॉरियर्स को है। अच्छा लगता है जब हमारे सितारे, हमारे जो स्टार हैं, जो पर्दे पर हमारा मनोरंजन करते हैं और मैदान पर मनोरंजन करते हैं, बिल्कुल सीधे बल्ले से। अब इसमें बताइए क्रिकेट का कौन सा ऐसा अंदाज है जो नहीं है, बिल्कुल गेंद के पीछे आए, सीधे बल्ले से खेला और केवल अंपायर के ऊपर से गेंद को चिप किया, एक और बाउंड्री आई, पार्ले हैप्पी हैप्पी, आगे देखना होगा, छक्का हुआ लगता है। हाँ जी, अब इस शॉट को आमतौर पे हम किसी भारतीय जो बल्लेबाज होते हैं, विराट कोहली हो, धोनी हो, इस तरह के खिलाड़ियों को देखते हैं इस तरह के शॉट खेलते हुए, लेकिन ये कलाकार है, इन्होंने दिखाया हमें भी कोई कमी नहीं है। निस्संदेह बार बार देखिए वो शॉट आप लूप पे लगा के देख सकते हैं, सीधा एकदम तीर के माफिक फ्लैट 6 स्ट्रेट बाउंड्री पर, नॉट एन ईजी शॉट टू प्ले, मज़ा आ गया देखकर बिल्कुल। और फिर सबकी मेहनत होती है, नज़ाकत देख लीजिए, पिछली गेंद पे ताकत दिखाई थी, सिंगल ज़रूर चला लेंगे, तो पूरी मेहनत ऑफकोर्स पाजी होती है। ये देखिए कि थोड़े से चिंतित ज़रूर हैं, हालांकि बहुत सारे रन हैं उनके पास और खेल का वो एक ऐसा दौर आता है कि जहाँ जल्दी जल्दी एक दो विकेट्स गिर जाते हैं, फिर आपको नए सिरे से तैयारी करनी रहती है। दो विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं, अंतिम गेंद है इस ओवर की, डाउन द लेग साइड, डाउन द लेग साइड, वाइड आनी चाहिए, हालांकि गति बिल्कुल नहीं थी इस गेंद में, रघु के द्वारा जो गेंद डाली गई, वाइड का इशारा, एक और सिंगल। तो सपोर्ट स्टाफ भी है, पीछे मैनेजमेंट भी है, आप देख रहे हैं सुपरस्टार वेंकटेश वहाँ पर हैं, डकआउट में बैठकर निरंतर उन्होंने संदेश दिए, तो डेफिनेटली केरला स्ट्राइकर्स की तरफ से भी वो गए और हर टीम को काम किया। अच्छा गेंद, डॉट के साथ ओवर हुआ मुकम्मल, 29 पर 2 3 के बाद केरला स्ट्राइकर्स।